मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु टू ऑल लिसनर्स। आई होप यू आर ऑल वेल इंशाल्लाह। फर्स्टली आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस वेबिनार, डॉक्टर मोहम्मद अकरम, चेयरपर्सन, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड मेडिसिन एंड सर्जरी, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इंफॉर्मेटिव एंड बेनिफिशियल एंड प्रीशियस webinars on daily basis. And thank you so much all participants for joining us. And my special thanks to our respected guest speaker, Dr. Abdul Sami, consultant, Eastern medicine physician, and Dr. Fatma Shabir, a nutritionist from Agriculture University, Faisalabad, and Dr. Muhammad Zafar, superintendent, NHMC, Chennai. Thank you so much all guest speakers for joining us, for your precious time you have given us. What are beautiful words of very famous poet. Quran mein hota hai zan ae mard muslima, Allah kare tujhko ata jiddat kardar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم. मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूद से, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है, उसका कोई हमसर नहीं। नाउ ब्यूटीफुल वर्ड्स इन द प्रेज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा कोई और है, वो राउफ है वो रहीम है, वो हबीबे रब्बे करीम है, उन्हें फिक्र है मेरी आपकी, उन्हें चाहता कोई और है। सबब तखलीक दुनिया का जहां जब भी कहीं लिखा, सबब तखलीक दुनिया का जहां जब भी कहीं लिखा, मोहम्मद मेरी आंख ने देखा होता। सर आप मुझे सुन सकते हैं, प्लीज स्टार्ट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तो आवाज आ रही है मेरी? यस सर, वालेकुम सलाम सर। चले चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकरम और आपकी पूरी टीम का कि आपने फिर एक दफा मौका दिया हमें इस प्रोग्राम के करने का। आज मैं आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के हवाले से बताना चाहूंगा। असल में कब्ज के ऊपर शायद एक से पहले भी प्रोग्राम हुए हैं, लेकिन मसला यह है कि ये एक ऐसी बीमारी है कि जो आम है और बहुत सारे लोग इसमें मुबतला है, तो बार बार इसको मेरा ख्याल है रिपीट करने की जरूरत है। ये तकरीबन हर शख्स को कभी ना कभी जिंदगी में बचपन से लेके बुढ़ापे तक होता है, ठीक है। ओल्ड एज के अंदर जरा ये ज्यादा होती है बीमारी और यंग में या उसमें कम होती है, लेकिन फिर भी हमारे लाइफ स्टाइल और ऐसी चीजें, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। इसकी अलामत है, एहतियात है, कौन कौन लोग ज्यादा मुतासर होते हैं और इससे क्या परेशानी हो सकती है और इसका इलाज क्या होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जबकि जो बुजुर्ग हजरात हैं उनके लिए कुछ चुटकुले, हिदायत और इलाज, वो भी हमारे आज के इस प्रोग्राम में या आज के वेबिनार में मौजूद है कि हम उन लोगों को इसके लिए बताते हैं। तो आप इस हमारे इस प्रोग्राम को जरूर सुने। कब्ज को उम्मुल अमराज कहा जाता है, यानी तमाम बीमारियों की माँ। कब्ज अमूमन उस वक्त होता है जब आंतों की हरकत कम हो जाती है और स्टूल जो है पखाना मुश्किल से होता है,
और ये ज्यादातर हमारे रूटीन यानी कि हमारे लाइफ स्टाइल, हमारी गजाई तब्दीलियों की वजह से होता है कि हम क्या खा रहे हैं, किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कब्ज को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि हफ्ते में अगर 3 बार से कम अगर स्टूल पास हो, या मुश्किल से हो, या तकलीफ में हो, या बाथरूम में ज्यादा देर भी लगे और ये एहसास कि अभी मुकम्मल पेट साफ नहीं हुआ, तो इसको हम कहते हैं कि ये कॉन्स्टिपेशन है। ये स्टूल या पखाना जो है वो अक्सर गोलियों की तरह या बकरे की मिंगियों की तरह खुश और सख्त हो, पेट में दर्द हो, सूजन हो, पेट में बेचैनी हो, तो ये शख्स जो है कब्ज का शिकार कहलाएगा। अच्छा, अगर ऐसा कब्ज कुछ अरसे रहे तो स्टूल पास करते हुए खून भी बह सकता है, उसको ब्लड आ जाता है और इस कब्ज की वजह से पाइल या बवासीर भी हो सकती है। अच्छा, इसके ऊपर हम एक अलग प्रोग्राम करेंगे, या अगर आखिर में कुछ मौका हुआ तो मैं जरूर पाइल्स और उसके हवाले से भी बात कर लूंगा। लेकिन ये पाइल्स वाकई एक बहुत ही दहशतनाक और वहशतनाक मर्ज है। अगर हमें इसके बारे में समझ आ गए कि पाइल्स कैसी हो सकती है, तो हम मेरा ख्याल है कि कब्ज ना होने दें। मतलब मैं अमूमन अपने मरीजों को कहता हूँ कि कब्ज के लिए जब वो कहते हैं कि जी मुझे फाइल्स है, सब कुछ है, तो उनसे पूछता हूँ, भाई वो तीसरी मंजिल से यहाँ तक आवाज आएगी आपकी? मैंने क्या मतलब है? मैंने कहा नहीं, वहां से इतनी आवाज आती है बाथरूम या स्टूल पास करते वक्त? तो वो कहते हैं नहीं अभी नहीं आई। मैंने कहा बस अल्लाह का शुक्र अदा करो, वरना इतनी ही तकलीफ होती है, इतनी दहशतनाक है कि लोग जो है बाथरूम जाते हुए डरते हैंगे। अच्छा, तो कब्ज उस वक्त होता है कि जब आंतों की हरकत कम हो जाती है, स्टूल या पखाना मुश्किल से होता है। शदीद कब्ज के ज्यादातर मामला इस वजह से होते हैं कि हमको अपने खाने में इस्लाहात की जरूरत है। जैसे हमारे मुल्क में इस्लाहात की जरूरत है और वो चीजें ठीक नहीं हो पा रही हैं, इसी तरह हमें भी अपने खाना पीना या लाइफ स्टाइल की को बेहतर करने की जरूरत है। या तो आप काफी मकदार में रेशेदार गजाएं इस्तेमाल नहीं कर रहे, या आप पानी या जूसेस का मुनासिब इस्तेमाल नहीं कर रहे और वर्जिश भी नहीं कर रहे। यहाँ पे जूसेस से मुराद जो डब्बा पैक जूसेस हैं उनसे नहीं है, फ्रेश जूस है। लेकिन इस फ्रेश जूस में भी अगर हम जैसे आजकल पीनू का मौसम आने वाला है, मिठे अभी आज मौजूद हैं, या फ्रूटर आ जाता है, मौसम भी आती है, तो पीनू और ऐसी चीजें तो हमें खानी चाहिए, बकायदा बल्क में खानी चाहिए। इसका जूस हमें नहीं पीना चाहिए, मौसम भी तो फिर भी हम उसका जूस पी सकते या मिठो का, लेकिन उसमें हमें तो खानी चाहिए और डब्बा पैक बिल्कुल नहीं। अच्छा, वर्जिश भी नहीं कर रहे होंगे। अगर हमें वर्जिश भी करनी नहीं है कि जी सिर्फ 4 दिन 8 दिन करें कब्ज ठीक हो गया तो छोड़ दी, ये हमें लाइफ टाइम करनी है। कम से कम मैं तो कहता हूँ कि क्योंकि इस ओल्ड एज में खासतौर से लोगों को शुगर के भी मरीज हो रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर के भी मरीज हो रहे होते हैं, और कॉन्स्टिपेशन वगैरह अगर साथ हो तो और ज्यादा मुश्किल अब उनको हो रही होती है, तो उनको चाहिए कि कम से कम एक दिन में 10,000 कदम अलग से चलें अपनी जॉब के अलावा। मतलब इतना कि हम जो जॉब करते हैं, खवातीन कहती हैं हम तो अपने घर में चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, चलते फिरते नहीं, उनको कम से कम भी 10,000 कदम जो है रोजाना चलना चाहिए। अगर ब्रिस्क वॉक करें, तेज कदम चलें और भी अच्छा है, लेकिन कम से कम से स्लो अंदाज में चलेंगे। तो अगर हम ये वर्जिश करें तो हमारे लिए बहुत बेहतर हो सकता है। हाथ पैर चलाएं, अपने लाइफ स्टाइल को चेक करें, ज्यादा पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेट रखें, फाइबर या रेशेदार गिजा का इस्तेमाल करें। मतलब सब्जियों का सबसे मुराद है जैसे खीरा है, ककड़ी है, गाजर है, मूली है, टमाटर है, और ये तो सर्दियां आ रही हैं, ब्रोकली है, बेहतरीन चीजें हैं कि जो हमें अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करने में मदद देंगी। वर्जिश का तो एहतमाम हो गया। जो लोग जिस्मानी तौर पर फिट हैं या स्पोर्ट्स और जिस्मानी वर्जिश पर तवज्जो देते हैं, उनको आमतौर पर कब्ज की शिकायत नहीं होती, जबकि वो जो बीमारी या किसी भी वजह से कई दिन या हफ्तों बिस्तर पर या कुर्सी पर रहते हैं, उनमें कब्ज का खतरा ज्यादा होता है। इसी तरह अगर बूढ़े और बीमार लोगों की गिज़ा और उनके मूवमेंट में इजाफा कर दिया जाए तो भी इनके कब्ज को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। आईबीएस की इनके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की तकलीफ में मुब्तला लोगों में उनके मुकाबले में जिनको आईबीएस नहीं है, आंतों में रुकावट पैदा होने का इम्कान ज्यादा होता है। इस तरह मुआशरे में जो बड़ी उम्र के 40% अफराद, जबकि इदारों में काम करने वाले 60% अफराद तक कब्ज का शिकार होते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाती है तो आंतों की रफ्तार सुस्त हो जाती है। हर आधा ही सुस्त जो उनका ऑर्गन सुस्त हो रहा होता है तो आंतों की रफ्तार भी इसी तरह सुस्त होती है, चलना फिरना वर्जिश भी कम हो जाती है। उसके अलावा बीमारियां, मुख्तलिफ दवाएं, शुगर के मर्ज में इजाफा, बार बार बाथरूम जाने के खौफ से पानी का कम इस्तेमाल, या अमूमन हमारे यहाँ मार्केटों में जो है ना बाथरूम की मुनासिब तादाद नहीं होती, तो आदमी जो है वहां पे कोशिश करता है अपने ऑफिसों में या मार्केटों में ये अपने वो ना जाए, बाथरूम ना जाए। तो इसी तरह स्कूल जाने वाले बच्चे भी वो भी कब्ज का शिकार हो जाते हैं। तो
क्योंकि स्कूलों में भी बाथरूम का जो स्टैंडर्ड है ना वो ज्यादा अच्छा नहीं है, चाहे वो कितने भी अच्छे बाथरूम हो या कितने भी अच्छे स्कूल हो, तो बाथरूम उनके यहाँ के ना कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते। अच्छा सरकारी दफ्तर और स्कूल में तो ज्यादा ही खराब हाल है, इसलिए लोग और बच्चे बच्चियां भी बाथरूम जाने की ख्वाहिश को दबा लेते हैं। यानी कि अच्छा जो सेठ साहब रहने के लिए, मतलब सेठ साहब होते हैं ना कि जो अपने गले के ऊपर बैठना है जिनको, वो पैसा चोरी ना हो जाए या कोई न जाए, या काउंटर मुलाजिम पर छोड़कर जाने को तैयार नहीं होते, ये सब आदत जो है कब्ज के मर्ज को बढ़ाती हैं। देखिए अंदाजा ही बताया जा रहा है कि इस टाइप के लोग अगर अपने आप को थोड़ा सा मूवमेंट अपनी बढ़ाएं तो ये उनके लिए बेहतर होगा। कब्ज एक अलामत है, खुद कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से बीमारियां होंगी, बाकी बीमारियां इसके होने से हो जाती हैं या मुख्तलिफ बीमारियों के होने से यह कब्ज हो जाती है। जैसे शुगर का मरीज है, उसको भी लाजमी सी चीज है कि उसको कब्ज होना होता ही है उसे। सॉरी। अच्छा तो जैसे मैंने कहा था ना कि कब्ज जो है वो उम्मुल अमराज है, तो हम तो फिर इसके बाद सारे अमराज होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जिन लोगों को ज्यादा कब्ज रहता है ना, वो अक्सर इस मसले को हल करने के लिए जो लाभ ले रहते हैं हमारे पास भी आते हैं, कहते हैं जी कोई एक गोली दे दें, कुरसे मुलैन खा लें, हब्बे तिनकार खा लें, जुलाबी खा लें, कोई और चीजें, लेकिन क्या ये मसले का हल है? कभी नहीं। ये चीजें मसले का हल नहीं है, आर्जी तौर पर तो आपको ये चीजें फायदा दे सकती हैं, लेकिन हम जितना तेज जुलाब लेंगे वो हमारे निजामे हजम को या हमारे आंतों के मूवमेंट को मजीद खराब करते हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि अपने लाइफ स्टाइल चेंज करना है, भाग दौड़ करनी है, वॉक करनी है, हाथ पैर चलाने हैं, या गजा ऐसी खानी है कि जो कि आपके पेट को ठीक रखे, वो होना चाहिए। अच्छा इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जुलाब के का बाकायदगी से इस्तेमाल जो है ना जिसम को जब इनकी आदत डाल देता है, तो इसकी वजह से जब जुलाब की जरूरत ना हो तब भी वो जुलाब लेते रहते हैं। ये कहते हैं नहीं जी जुलाब हमें बहुत आसानी रहती है, हमें परेशानी नहीं होती, दो मोशन हो जाते हैं, लेकिन वो गलत है और आंतों में सोजिश होती है कि एनस के ऊपर, बकत के ऊपर उनको जलन शुरू हो जाएगी, खराशें पैदा होना शुरू हो जाएंगी। और हद ये कि अगर कब्ज वाले मरीजों को या बवासीर वाले मरीजों को हमें नोट करना चाहिए कि फी जमाना यहाँ पे अब कहना चाहिए कि कैंसर, आंतों का जो कैंसर है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम लोग जितने मसाले और खूब चटपटी चीजें और स्वाइपी चीजें खा रहे होते हैं और जितने केमिकल ज्यादा चीजें खा रहे होते हैं, सिर्फ मसाले वाली नहीं है, केमिकल ज्यादा चीजें खा रहे होते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। मतलब कैनेडा में अगर हमें तो जो लोग हैं उनको पता होगा कि वहां पे 60-65 साल के बाद से ही बाकायदा एंडोस्कोपी बल्कि रेक्टोस्कोपी कर रहे होते हैं कि भाई कोई कैंसर वगैरह कोई और ऐसी चीजें तो नहीं है। बल्कि आज पहले हमारा टॉपिक जो था लीवर के हवाले से था, तो मैं लीवर के ऊपर जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें भी कुछ चीजें ऐसी थी कि जो हमारे जो यानी कि जो हमारे बेसिकली जो फिल्टर वही होते हैं गुर्दे में और जिगर में, तो जो हम लोग केमिकल ज्यादा खाने खाते हैं ना, यानी कि जो प्रिजर्वेटिव जिसको हम कहते हैं जो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती हैं चीजें, वो भी हमारे लिए कैंसर का बाइस बन जाती हैं, हमारी आंतों में खराश डालती हैं, हमें अल्सर करती हैं, तेजाबियत करती हैं। खैर अल्सर तो मतलब एच पायलोरी ही है, लेकिन बात यह कि आंतों में सोजिश तो ये चीजें सब करती ही हैंगी। तो इसीलिए खास तौर पर तेज जुलाब का मतलब यह है कि जब इनका इस्तेमाल बंद हो जाएगा तो इनके कब्ज का खतरा ज्यादा हो जाएगा, और जुलाब के ज्यादा इस्तेमाल से जैसे में पानी और नमकियात की कमी होगी कि आपको दो मोशन लग गए, आपने उसी हिसाब से फिर पानी फिर नहीं पिया। अच्छा दूसरी चीज क्या होती है कि जो शख्स भी अपनी नौकरी या मसरूफियत की वजह से भी बाथरूम का इस्तेमाल नहीं करता और आंतों की हरकत और बाथरूम जाने की ख्वाहिश को नजरअंदाज कर देता है, तो ज्यादा इम्कान है कि उसको कब्ज होना शुरू हो जाए। और जितनी ज्यादा वो ताखिर करेगा और जितनी ज्यादा ताखिर करेगा ना, उससे उसको पखाना और सख्त हो जाएगा, या फजला उसका सख्त हो जाएगा, या कब्ज जो शदीद हो जाएगा, और ऐसे शख्स या औरत को मर्द बवासीर और पखाने में खून आने की शिकायत बढ़ जाएगी। हमल के दौरान जो है ना 40% के करीब खवातीन को कब्ज का सामना करना पड़ता है। लोगों को चाहिए कि जुलाब के इस्तेमाल में उस वक्त गौर करें कि जब तर्ज जिंदगी को तब्दील करने से और गजाई तब्दीलियों के बावजूद भी कब्ज को फायदा ना हो रहा हो। अच्छा अब यहाँ कुछ इलाज या तदबीरें भी बताना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से कब्ज को ठीक करने में मदद मिल सकती है। जैसे फाइबर या रेशेदार गजाओं का इस्तेमाल करें। अभी पिछला मौसम गुजरा है, उसमें सब्जियां और फल बहुत अच्छे थे, अब तो जो मौसम आएगा उसमें सब्जियां बहुत अच्छी होंगी, तो इसमें से सब्जियां और फल जो हैं, जैसे आम, इस बार आम गुजर गया लेकिन नाशपाती अभी भी मौजूद है, अंगूर मौजूद है, आड़ू बहुत अच्छा आड़ू अभी भी आया हुआ है कराची में, तो बहरहाल बेहतरीन आड़ू मिल रहा है, खुबानी खत्म हो गई है लेकिन सेब है, चीकू है, पपीता है, अमरूद अभी नहीं है
लेकिन अमरूद मतलब मैं नाम ले रहा हूँ कि जैसे ही मौसम शुरू हो तो इनको आपको ये चीजें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि अगला मौसम अब आ रहा है जो अक्टूबर, क्या कहना चाहिए, सितंबर है ना, तो अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें ककड़ी है, मूली है, पालक है, मेथी, बथुआ, सरसों का साग, जो सर्दियों के भी सीन है कि सर्दियों में लोग सरसों का साग बहुत मजे से पका के खाते हैं, या सलाद के पत्ते हैं, ब्रोकली, ब्रोकली जो है बेहतरीन चीज है, अभी तक हमारे यहाँ लोग ब्रोकली के नाम से आशना ही नहीं है, लेकिन अगर वो ब्रोकली का इस्तेमाल करें शायद उसका टेस्ट अच्छा ना हो, लेकिन फाइबर और वैसे उसमें, और सच्ची बात बताऊं मैं तो, अगर जो जो हमारे जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स होते हैं, मेल फीमेल दोनों को, मैं तो ब्रोकली जरूर इस्तेमाल कराता हूं, और ये राज की बातें हैं कि हमें जो तजुर्बा हुआ है वो आप लोग भी इसको करें, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो टमाटर है बेहतरीन चीज है। दूसरे हमारे यहाँ बारीक आटा बहुत खाया जाता है, बारीक आटा, फाइन आटा, अगर हम फाइन आटा, बहुत सारे लोग फाइन को उनको मना करो तो कहते हैं तो मिक्स कर लेते हैं, मिक्स भी ना करें, आपको मोटा आटा, दरमियानी आटा, चक्की का आटा वो इस्तेमाल करना चाहिए, सॉरी, जो बारीक आटा जितना इस्तेमाल करेंगे वो नहीं इस्तेमाल करें, बल्कि भूसी मिला हुआ आटा इस्तेमाल करें। अच्छा, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी खराबी है जिससे वो जो भूसी खा लेते हैं, भूसी खा लेते हैं, हमारी तिब की जितनी भी चीजों में अगर आप पढ़ें तो भूसी जहां लिखी हुई है उसका मतलब है आटे की भूसी, हमें चाहिए कि हम आटे की भूसी इस्तेमाल करें, वस्तोवल की भूसी तो जो ओल्ड एज में तो खास तौर से जोड़ों में दर्द करेगी, तो उसकी जगह कंपनियां तो बन गई, बहुत कंपनियों ने खूब कमाया, अरबों डॉलर करोड़ रुपया कमा गए, लेकिन असल भूसी जो है जिसको हम छन्नी से छान के फेंक देते हैं, और हमारे यहाँ की आजकल की खवातीन से तो खास तौर से रोटी नहीं पकती, ये मोटे आटे की रोटी कैसे पकेंगे, तो दरमियाने की ही पका लें तो बड़ी बात है। तो ये है, दूसरी चीज ये कि इसके ऊपर आटे में ना जैतून को, आटे पे कह रहा हूँ, रोटी पे जैतून, ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन जो आता है वो जरूर लगाएं, ये रोटी खाने की हम लोगों को आदत चाहिए, डालनी चाहिए, बजाय इसके कि हम तंदूर की रोटियां खा रहे हों या इस टाइप की चीजें, तो हमारे लिए बहुत बुरी है, बल्कि एक चम्मच जो है ना ऑलिव ऑयल जो है हम सालन में भी जरूर डालें, इसके अलावा देसी घी का इस्तेमाल करें, मक्खन का इस्तेमाल करें, होता है जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये होगा, तो भाई आप 10,000 कदम भी तो चलोगे ना, आपकी आंतों के अंदर तरी भी पैदा होगी, आप इतनी चीजें करें। हाँ, किसी को अगर कोई डायग्नोस हो गई है कि जी उसको ये कोई कार्डियक पेशेंट है या दिल के हवाले से कोई तकलीफ है, ब्लड प्रेशर है, तो उसने उसको करने, लेकिन अगर वो अपनी वॉक बढ़ा लेता है और ये लाइफ स्टाइल अपना लेता है तो इंशाल्लाह उसका ब्लड प्रेशर, उसकी शुगर, उसका कब्ज, सभी कुछ बिल्कुल ठीक होगा, वो अपने आप को दोबारा से जवान समझेगा। अब देखें ना, दुनिया भर में लोग हैं 80-80 साल की उम्र के अंदर किस तरह दौड़ होते हैं, मेरा हकीम सईद साहब का मैंने कहीं पढ़ा था कि वो आई थिंक 70 या कितनी एज थी उनकी, और वो टेनिस खेला करते थे, मैं तो कहता हूँ 10 मिनट भी टेनिस खेल ले, टेनिस का इतना बड़ा कोर्ट है हमारे जैसे लोग जो आज से हम 10 साल पहले भी अगर है तो हम उससे शायद नहीं भाग सकते, और वो बहरहाल अगर उसमें कितने शॉट लगाते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल खेलते थे ये मुझे पता है। तो अगर हमें ये चीजें, हम अपने आप को लाइफ स्टाइल चेंज कर लें, हमारी ये तोंदे जो हैं जो ये कम हो जाएं, जो इतनी बड़ी बड़ी तोंदे हमारी बाहर निकली हम उसके लिए खरक मैजल और खुरसे मैजल और फलानी चीजें खा रहे होते हैं, इन सबसे बेहतर है कि हमें ये काम कर लें तो हमारा पेट भी अंदर हो जाएगा और हमारा बहुत सारी हम बीमारियों से बचे रहेंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर फिर भी कोई फर्क ना हो तो बादाम का तेल है, आलमंड ऑयल जो है, स्वीट आलमंड ऑयल 2 चमचे 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ रात को सोते वक्त हम इस्तेमाल कर लें, उससे बेहतर से इसमें भी एक बहुत शानदार चीज है इंजीर। इंजीर का मौसम शुरू हो रहा है और पहाड़ों पर रहने वाले तो बहरहाल जो कश्मीर और उधर है तो मेरा इस्लामाबाद वाले भी, सवाद के भी, उन लोगों को तो ताजी इंजीर मिलती है, मैंने इस्लामाबाद में पेड़ देखे हैं इसके, ये इंजीर उनके यहाँ मौजूद होती है, 2-3 दाने भी अगर वो सुबह शाम खा लें तो बेहतरीन उनके लिए जो है, पेट साफ करने के लिए है, ब्लड प्रेशर के लिए उनका अच्छा है, बल्कि खून की नालियां कोलेस्ट्रॉल तक के लिए जो है वो उसके मामले में बहुत अच्छी है। खुश्क व ताज़ा खुबानी का इजाफा भी कर सकते हैं, इस वक्त ताज़ा खुबानी तो नहीं है लेकिन खुश्क खुबानी बहुत है। हल्के फुल्के कब्ज में गुलकंद का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अब मैं गुलकंद को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि अब गुलकंद जो है हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है वो उसके अंदर जो है वो गुलाब की पत्तियों में, ताजी पत्तियां तो ये लोग इस्तेमाल ही नहीं करते, उसमें वो पन्नियां तक निकलती हैं जो फूलों, हारों और गाड़ियों पर सजाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लगता है कि उसी में वो गुलाब बना देते हैं, तो बहरहाल इसके लिए गुलकंद अगर किसी को अच्छा मिल जाए तो जरूर इस्तेमाल करे। अच्छा, कुछ अद्वियात का भी जिक्र करता चलूं, क्योंकि यहाँ तालिब इल्म और हर्बल डॉक्टर भी मौजूद हैं, इसलिए तरतीब और मकदार खुराक आपकी जहानत पर मुनसर है। लेकिन जैसे जवारिश कमूनी है 6-6 ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल करें, शरबत अरदानी है, इत्रिफल जमानी और इत्रिफल मुलैन भी बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी रात को सोते वक्त सबको इससे इस्तेमाल करें,
कुर्से पुदीना मैंने हमदर्द की देखी है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि मेरे तजुर्बे में कुर्से मुलैन या हब्बे तिनकार ये मर्ज की शिद्दत को देखते हुए इस्तेमाल करें। मेरा ख्याल है कि इसको अवॉइड करें, कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है कि आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करें। और हब्बे तिनकार में तो एलवा भी होता है, ये थोड़ी सी मरोड़ पैदा करती है, तो इसलिए इसको इसबगोल की भूसी के साथ या किसी और ऐसी चीज के साथ इस्तेमाल करें। हड़ का मुरब्बा हड़ इस्तेमाल करें, हड़ का मुरब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवले का मुरब्बा इस्तेमाल करें, तो ये बहुत सारी अच्छी चीजों में शुमार होगा। यहाँ पर मैं आपको दो कब्ज के बाद नुस्खे बता देता हूँ कि जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि अतिबा हजरात जो हैं या हर्बल डॉक्टर जो हैं वो अपने मरीजों को जरूर दे सकते हैं। पोस्त हलैला जर जो बड़ी हड़ है, बल्कि बड़ी हड़ भी उसमें काबुली हड़ जो होती है वो जरा बड़ी और अच्छी हड़ होती है, वो इस ले लें। जंजबील यानी कि सौंठ ले लें, सना मक्की है, नमक के सियाह काला नमक, ये सब हम वजन ले लें, बल्कि इसमें सौंफ का इजाफा भी हम करते हैं। इसको जो है हम वजन ले लें और बारीक पिसवा लें, इसमें सना मक्की के जो है तिनके निकाल लें पहले। और एक दो जगह तो हकीम अजमल खान की किताब में मैंने पढ़ा था कि इसको बट्टी के बर्तन में हल्का सा सना मक्की को भून लें, तो बहरहाल ये भी किया जा सकता है। तो इसको रात को सोते वक्त एक आधा चमचे के करीब जो है आबे नीम गर्म के साथ नीम गर्म पानी से इस्तेमाल करें। ये सफूब जो है कब्ज को दूर करके पेट की गिरानी को भी दूर करता है। इसी तरह एक और नुस्खा है कि बरगे सना मक्की यानी कि यही सना मक्की गुले बुनफ्शा या गुलाब के फूल गुले सुर्ख, सना मक्की 125 ग्राम, गुले बुनफ्शा 100 ग्राम, गुले सुर्ख गुलाब के फूल 100 ग्राम, सूखे हुए ताजे हों तो डबल, लेकिन ताजे फिर पिसेंगे नहीं। तुरबुत मुजब्बफ तुरबुत के अंदर से उसकी जो तिनका होता है वो निकाल लिया जाता है 50 ग्राम, ये भी सफूफ कर लें, तो ये भी एक आधा चमचा, लेकिन जरूरत के हिसाब से, ये मरीज खुद ना बनाएं बल्कि किसी अपने हर्बल डॉक्टर से जरूर मशवरा कर लें। तो इंशाल्लाह ये जो चीजें हैं एक जो इजावतें इससे आराम से हो जाएंगी, लेकिन ये याद रहे कि पेट के जो अद्वियात का सफूफ होता है ना वो बारीक नहीं होता बल्कि दरदरा या हल्का सा मोटा होता है, ताकि ये ज्यादा देर आंतों में रहे। ये सफूफ मैदे और आंतों को फजलात से पाक करता है और कब्ज को भी रफा करता है। अच्छा, जैसे मैंने अभी कहा था कि इसमें जो है ना कब्ज के जो अगर होता है तो इसके नुकसान में ना एक बवासीर हो जाती है, जिसे हम हेमराइड कहते हैं ना, तो हमें इसमें ख्याल करना चाहिए कि जो हमारे मुस्तकीम या एनल या रेक्टम और एनस यानी मकद और हमारे मुस्तकीम बड़ी आंत के आखिरी से में ना फैली भी रगें, तो बहरहाल वो आपको बाद में कभी करेंगे कि बवासीर की वजह क्या है, लेकिन बुनियादी तौर पर उसकी वजह जो होती है वो भी यही कब्ज, बुनियादी तौर पर इसका कब्ज है, और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, तो आप लोग इसके ऊपर थोड़ा ख्याल करें। अच्छा हाँ, बवासीर वाले को भी इंजीर लाजमी खानी है, इंजीर उसको दो दो दाने इंजीर अगर वो खाता रहे तो मेरा नहीं ख्याल है कि उसको किसी और दवा की जरूरत पड़े। बल्कि मुझे एक मरीज थे तो उन्होंने आके बताया था, अपनी बेटी के लिए आए थे, मैंने एक दफा शायद पहले भी जिक्र किया होगा कि उन्होंने कहा हकीम साहब 17 साल हो गए हैं मुझे दोबारा बवासीर नहीं हुई। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपने कहा था इसके बाद इलाज खत्म जब हो गया था 2-3 महीने दवाएं खाएंगी, अब आप इंजीर खाया करेंगे। कहने मैंने इंजीर खा रहा हूँ और आज तक 17 साल हो गए, आपने 20 साल का दावा किया था। खैर मैं दावे नहीं करता, मुझे पता नहीं क्या हुआ होगा उस वक्त, क्या बोल दिया था उनको, लेकिन अल्लाह मियां ने बहरहाल बात रखी, उन्होंने भी एहतियात करी। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे सुना, और अगर इससे अमल करें तो इनशाला बहुत सारों का फायदा होगा, और मेरा ख्याल है कि इसको हमें आगे भी बढ़ाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर अब्दुल समी, कंसल्टेंट ईस्टर्न मेडिसिन फिजिशियन, फॉर जॉइनिंग अस, फॉर योर प्रीशियस टाइम यू हैव गिवन अस। माशाल्लाह।